हाँ भाई, तो अब बात करते हैं किसकी, रीजियो सिलेक्टिविटी की। अब बात करते हैं कि साइक्लो एडिशन में जब रीजियो सिलेक्टिव आ जाए तो रीजियो सिलेक्टिविटी की केस में हमें कैसे करना है, कैसे हम क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे। तो उससे पहले तो ये समझ लो कि रीजियो सिलेक्टिविटी होती क्या है। क्या केस पढ़ रहे हैं हम भाई, रीजियो सिलेक्टिविटी का। देखो रीजियो सिलेक्टिविटी बोलते कैसे और कब ये प्रोड्यूस होती है। देखो रीजियो सिलेक्टिविटी तब आ जाती है कंसेप्ट में जब हमारे डाइन और डाइनोफाइल दोनों के दोनों क्या हो जाए, अनसिमेट्रिकल हो जाए। दोनों के दोनों क्या हो जाए, अनसिमेट्रिकल हो जाए। तो उस केस में होता क्या है, हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। तो एक होता है मेजर प्रोडक्ट और एक होता है माइनर प्रोडक्ट। तो हमें मेजर प्रोडक्ट को चूज करना पड़े तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, रीजियो सिलेक्टिविटी। क्योंकि हमें प्रोडक्ट का चेंज करना पड़ रहा है, प्रोडक्ट को चूज करना पड़ रहा है कि कौन सा हमें प्रीफर करना है, मेजर या माइनर। बात करते हैं देखो क्या कि जब डाइनोफाइल और डाइन क्या हो जाए, डाइन भाई ये दोनों क्या सिमेट्रिक है अभी, जब हमारा डाइनोफाइल NO2 और इधर क्या लगाओ CN लगाओ, इधर कौन सा ग्रुप हो CH3 और इधर कौन सा ग्रुप हो सपोज OH, तो ये दोनों क्या है भाई, ये भी अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। बात समझ में आए, और हमारा ये भी डाइनोफाइल क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो इस केस में हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं भाई। क्या प्रोडक्ट मिलेंगे इस केस में, हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे भाई। प्रोडक्ट का चयन कैसे होगा भाई, होगा क्या, या तो CH3 के ये ग्रुप ऑर्थो आ सकता है, या CH3 के ये ग्रुप NO2 ऑर्थो आ सकता है, या फिर OH ग्रुप के ये CN ऑर्थो आ सकता है, या फिर OH ग्रुप के ये ग्रुप ऑर्थो आ सकता है। अगर मैं इसको थर्मली करके देखूं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया, इस पे क्या CH3 ग्रुप, या क्या हमसे आ गया यहां पे OH ग्रुप। तो एक कंडीशन क्या आएगी भाई, NO2 ऐसे आ सकता है और यहां पे क्या आ सकता है CN। दूसरा प्रोडक्ट इसमें फॉर्मेशन क्या होगा, दूसरा प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा, CH3 और OH तो ऐसे ही रहेंगे भाई, यहां पे क्या आ सकता है CN, यहां पे क्या आ सकता है NO2। तो पॉसिबिलिटी क्या हो गई, दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी हो गई, एक ये बन गया और ये बन गया। तब हम इन दोनों में से चूज करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा सिलेक्टिव होगा, किसको हम मेजर मानेंगे। तो ये कंडीशन हमें अब देखते हैं कि डिफरेंट। अब होता क्या है देखो, कभी भी क्वेश्चन में डाइनोफाइल या डाइन में से एक भी सिमेट्रिक मिल गया, क्या एक भी सिमेट्रिक मिल गया, तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हमेशा एक ही होगा। जैसे देखो अगर क्या केस क्या है, अगर डाइन या फिर डाइनोफाइल में से कोई भी क्या मिल गया, एनीवन सिमेट्रिक मिल गया, क्या मिल गया हमें, सिमेट्रिक मिल गया, तो जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा हमें कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, ओनली वन प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, ओनली वन प्रोडक्ट फॉर्म मिलेगा हमें, या वन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो कैसे, देखो क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां पे देखो, अब देखो सपोज करो कि ये डाइन है, इस पे क्या है NH3 ग्रुप है, इधर क्या है इस पे CH3 ग्रुप है, तो ये क्या हो गई अनसिमेट्रिकल डाइन। अगर इसके साथ में कोई भी एक वो ले लेता हूं क्या डाइन, तो ये क्या है हमारी सिमेट्रिकल, तब इनका हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या सिंपल एक ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, तो क्या सिंपल हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया है, यहां पे क्या NH2, यहां पे क्या है CH3, तो एक ही प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें क्या है एक अनसिमेट्रिकल है और एक सिमेट्रिकल है भाई, ये क्या है हमारा सिमेट्रिकल है, ये क्या है हमारा अनसिमेट्रिकल है। बात समझ में, और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखो, ठीक है ये हो गया। इसके साथ अगर हम क्या कर दें, डाइन को क्या लिया है हम इस बार सिमेट्रिकल, तो इस पे क्या हो गया NH2 ग्रुप, इधर भी क्या हो गया NH2 ग्रुप ऐड हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो, अब इस कंडीशन में क्या हो गया, CH3 हो गया या क्या, कोई भी ले लो इस पे NO2 ग्रुप लगा दो, और इस पे भी क्या लगा दो NO2, यहां पे क्या लगा दो CH3 ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा अनसिमेट्रिकल हो गया, और ये क्या हो गया सिमेट्रिकल। तो इस केस में होगा क्या, इस केस में भाई नहीं सिमेट्रिकल ही हो गया, क्या
ये हमारा सिमेट्रिकली हो गया, ये हमारा सारा केस क्या बन गया, सिमेट्रिकल। तो जब ये सिमेट्रिकल बन गया तो मैं इसको ले लेता हूं क्या, अनसिमेट्रिक कर देता हूं, इसको क्या कर देता हूं, अनसिमेट्रिक कर देता हूं, ठीक है। तो अगर इस केस में हमें डायनोफाइल की केस में एक भी डायनोफाइल या डाइन एक भी अगर हमें सिमेट्रिक मिल गया तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा कितना आएगा, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो इस केस में देखो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, तो इस केस में जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया आएगा क्या आएगा, ये हो गया क्या CH3 ग्रुप ऊपर और नीचे NH2 ग्रुप, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे CH3 ग्रुप, नीचे कौन सा NO2 ग्रुप, डबल बॉन्ड इधर क्या आ जाएगा CH3 ग्रुप, और इधर कौन सा आ जाएगा NO2 ग्रुप। बात समझ में? तो रिजियो सिलेक्टिव होने के लिए हमें जब प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़े तो हमें कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों हमारे अनसिमेट्रिकल होने चाहिए, तभी रिजियो सिलेक्टिविटी का सवाल आता है। तो क्वेश्चन जनरली अब तक जो करा था बिल्कुल बेसिक था, कुछ दिमाग नहीं लगाना था, सिंपल एडिशन करना था। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, क्वेश्चन आते हैं रिजियो सिलेक्टिव से या फिर स्टीरियो केमिस्ट्री पे। तो रिजियो सिलेक्टिव में स्टार्ट कर दिया है, तो रिजियो सिलेक्टिव में पहले केस आता है, पहला केस क्या आता है, पहला केस आता है कि जो हमारा क्या है डाइन है, क्या है डाइन है, वो क्या हो अनसिमेट्रिकल हो, क्या हो डाइन अनसिमेट्रिकल हो, और सब्सिट्यूएंट ग्रुप क्या लगे हो डाइन पे, दोनों डिफरेंट लगे हो, क्या लगे हो दोनों सब्सिट्यूएंट ग्रुप इस पे डिफरेंट लगे हो। तो देखो फिर कंडीशन क्या हो क्या आएगी, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट पढ़ रहे हैं रिजियो सिलेक्टिविटी का, केस फर्स्ट क्या पढ़ रहे हैं हम, केस फर्स्ट पढ़ रहे हैं कि सपोज करो कि दोनों के दोनों डायनोफाइल और ये दोनों के दोनों क्या है, कोई चूज अभी कुछ करना नहीं पड़ रहा, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों अनसिमेट्रिकल है, दोनों के दोनों क्या है अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे प्रोसीड करेंगे, अब देखो क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये क्या है, ये क्या है ओ सी एस थ्री ग्रुप, तो क्या हो गया एनओ टू। अब देखो ये भी अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है, ध्यान से देखो, जब हीट की प्रेजेंस पे हम इसका साइक्लोएडिशन कराते हैं तो साइक्लोएडिशन कराने के बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, हमें दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन मिलते हैं। पहला फॉर्मेशन क्या होगा, ये डबल बॉन्ड बीच में आ गया, यहां पे क्या आ गया OCS3, और जो ये NO2 ग्रुप है ये कहां चले गया, इसकी थर्ड पोजिशन पे चला गया। बात समझ में आ गई। दूसरा प्रोडक्ट हमें मिलता है, दूसरा प्रोडक्ट हमें इस केस में क्या मिलता है, ये भाई यहां पे क्या आ गया OCS3 ग्रुप, दूसरा प्रोडक्ट हमें मिलता है NO2। अब हम कैसे सिलेक्ट करें कि ये प्रोडक्ट क्या ए प्रोडक्ट मेजर होगा कि जो बी प्रोडक्ट है ये मेजर होगा, तो बहुत इजी है। कैसे है देखो, बहुत इजी, कैसे है बहुत इजी है देखो निकालना। अब देखना क्या है, तुम्हें डाइन देखना है, तो डाइन पे ग्रुप क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, डाइन पे कौन सा ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो एक डाइन बना, सपोज करो कि मैं ये सिंपली डाइन बना दी, तो इसके ऊपर ग्रुप क्या है OCS3, सामने क्या है एल्काइन है। तो देखो दो टाइप के इंटरेक्शन होते हैं भाई, एक इंटरेक्शन तो क्या हो रहा होगा ये NO2 इस तरह से इसके साथ आ रहा होगा, या फिर दूसरे टाइप का इंटरेक्शन क्या हो रहा होगा, ये क्या हो गया OCS3, दूसरे टाइप का इंटरेक्शन क्या हो रहा कि NO2 नीचे आ रहा होगा। बात समझ में? अब देखो होता क्या है कि ये क्या है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के लोन पेयर अपने जब डाइन को देगा तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मूव करेगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। वही NO2 क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो यहां पे पार्शियली कैसा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, दोनों के बीच में क्या होगा इंटरेक्शन होगा, जो इंटरेक्शन होगा हमें इस केस में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन मिलेगा कौन सा मिलेगा, बी मिलेगा। कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होके मिलेगा हमें, बी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होके मिलेगा। बात समझ में? वही जब हम सेकंड, ये क्या था केस फर्स्ट पर, क्या है केस फर्स्ट है। अब केस सेकंड इसी में स्टडी करते हैं कि केस सेकंड में क्या होगा, के सेकंड में जब OCS3 यहां पे क्या फिर से इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव। तब NO2 जब इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से,
अब ये क्या इंटरेक्शन हो रहा है भाई, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन हो रहा है कहां से हो रहा है, दूर से हो रहा है, और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन हो रहा है वो पास से हो रहा है, तो इन दोनों में से कौन सा इंटरेक्शन प्रीफर करना है हमको, इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है भाई ये मिलता है, तो हमें जो इंटरेक्शन प्रीफर करना है, हमें कौन सा इंटरेक्शन प्रीफर करना है, ये वाला, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों के दोनों क्या हो, पास पास में हो, तो इसमें क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या है काफी दूर दूर है, तो ये इंटरेक्शन प्रीफर नहीं करेगा, तो ये इंटरेक्शन प्रीफर करेगा, तो हमारा जो इसमें मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो क्या आएगा, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया कौन सा आएगा, बी आएगा, बात समझ में, और सारे क्वेश्चन करते हैं, और सारे क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस, देखो अब देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या हो गया भाई, प्लस सीएन, अब कैसे पता करें कि सीएचओ ग्रुप सीएन के किस पे पोजीशन पे होगा, 1-2 पोजीशन पे होगा कि 1-3 पोजीशन पे होगा, तो सिंपल हीट की प्रेजेंस पे होगा, तो प्रोडक्ट इसमें क्या मिलेंगे, फिर से दो प्रोडक्ट मिलेंगे भाई, क्या होगा या तो सीएचओ यहां आ रहा होगा और सीएन यहां पे आ रहा होगा, या सेकंड कंडीशन क्या आ रही होगी, सेकंड कंडीशन ये कि सीएचओ यहां पे आ रहा होगा और सीएन यहां पे आ रहा होगा, बात समझ में, तो देखो कैसे करना है, तब क्या करेगा वही चार्ज को घुमा, तो सीएचओ क्या करेगा, सॉरी इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना लगना चाहिए, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो सपोज करो कि यहां पे कौन सा ग्रुप है, CH3 मान लेते हैं, कैसा CH3 ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, तो CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो जब ये हाइपर कंजुगेशन से इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर देगा, तो यहां पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, वहीं साइनाइड जब इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो यहां पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव जब दोनों एक साइड आ रहे हो, तो ये इंटरेक्शन कौन सा होगा, गुड इंटरेक्शन होगा, क्या बेटर इंटरेक्शन होगा, तो इससे जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन मिलेगा, हमें कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन मिलेगा, ए, तो ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, बात समझ में आए, ये क्यों नहीं बनेगा, इस केस में होगा क्या कि अगर हम क्या कर देते हैं, हमें अगर प्रोडक्ट मिलता है ऐसे CN, बात समझ में आए, कंडीशन सेकंड देखो, कंडीशन सेकंड, तो पॉजिटिव चार्ज उस केस में कब कहां पे जनरेट होगा, यहां पे, तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन हो गया, काफी दूर दूर इंटरेक्शन हो गया, तो हम इस इंटरेक्शन को प्रीफर नहीं करते, इसलिए जो हमारा एक प्रोडक्ट है ये फॉर्मेशन नहीं होता, मेजर प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, ये प्रोडक्ट मिलता है, बात समझ में, और क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे क्या लगाओ, OCH3 ग्रुप लगाओ, बताओ कैसे होगा, बताओ कैसे होगा भाई, क्वेश्चन में अगर तुमको ये अपोजिट मिलते हैं भाई, क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे ही मिलेगा, तुम्हें अपने तरीके से खुद डायनोफाइल को रोटेट करके लिखना पड़ेगा, तब प्रोडक्ट फॉर्मेशन बनेगा, अब देखो इंटरेक्शन दिखाना है, तो इंटरेक्शन क्या है भाई, इस पे क्या होगा, डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, इस पे कैसा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली क्या करना है, या तो तुम डायनोफाइल को रोटेट करके ऊपर ऐसे रोटेट कर दो, कैसे देखो ऐसे, या तो डायनोफाइल को रोटेट कर दो, क्या करो, या तो डायनोफाइल को रोटेट कर दो, OCH3, तो यहां पे कैसे चार्ज आ जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, CHO, और यहां पे कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, पहला केस तो ये आता है, कैसा आता है ये पहला केस, सेकंड केस क्या आता है कि जब तुम डायनोफाइल को रोटेट कर देते हो, तो जब तुम डायनोफाइल को रोटेट करते हो तो फिर कैसा आता है, देखो ये क्या आ गया, OCH3 ऐसे ही है वो, अब तुम डायनोफाइल को रोटेट करके लिख दो, तो रोटेट करके जब डायनोफाइल को लिखोगे तो ऊपर क्या चला जाएगा, CHO, तो यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा भाई, यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, तो ये इंटरेक्शन दोनों को क्या होगा, बेटर इंटरेक्शन होगा, या देखो जब तुम्हें इंटरेक्शन कराना है अच्छा, तो तुम किसी को एक को रोटेट कर लो, किसी भी एक को अपनी मर्जी से रोटेट कर लो, प्रोडक्ट सेम आना है, तुम डायनोफाइल को रोटेट करके देख लो या डाइन को रोटेट करके देख लो, प्रोडक्ट हमेशा दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा, अब देखो ये क्या है, हमें इस कंडीशन में दे रखा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन काफी दूर दूर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायनोफाइल को पलटना पड़ेगा, डायनोफाइल को हमें पलटना पड़ेगा, तो जब हम डायनोफाइल को पलटेंगे तो हमारी कंडीशन कैसी आ जाएगी, इस टाइप की सिचुएशन बन जाएगी, तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन ओके आएगा इस कंडीशन में, तो कैसा आएगा भाई,
OCH3 ग्रुप कहां गया, ये लग गया, और CHO ग्रुप कहां चला गया, ये हमारा CHO ग्रुप आ गया। बात समझ में आई, अब तक क्या सिंपलेस्ट चल रहा है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं भाई, दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्वेश्चन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है हिटिंग के बारे में। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे करोगे भाई, वही क्या है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, जब CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो नेगेटिव चार्ज कहां पे, यहां पे जनरेट होगा। इस केस में क्या है, डायनोफाइल में, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज जनरेट कहां पे होगा, यहां पे, तो हमें प्लट के लिखना पड़ेगा किसको, डायनोफाइल को। तो जब हम डायनोफाइल को प्लट के लिखेंगे तो हमारा डायनोफाइल प्लट के कैसा आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ CH3, तो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या आ जाएंगे, सेम साइड आ जाएंगे। तो इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसा होगा देखो, तो जो इसका प्रोडक्ट फॉर्म होके आएगा कैसा आएगा, ये ऑक्सीजन ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये डबल बॉन्ड यहां पे, दूसरा इससे क्या होगा, तो ये कंडीशन आएगी COCH3, ये क्या होगा CH3 ग्रुप का आएगा हमारा, यहां पे आ गया ये CH3 ग्रुप क्या आएगा, एक दो तीन, तो CH3 ग्रुप क्या आ जाएगा, CH3 COCH3, तो ये ग्रुप भी कहां कहां लग जाएगा, COCH3 ग्रुप। तो हमारा प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो जाएगा, COCH3। तो ये सिंपलेस्ट चल रहा था, अभी कोई सिलेक्शन नहीं था, बस अभी क्या कर रहे थे हम, बॉन्डिंग को देख रहे थे कि बॉन्डिंग कैसे हो रही है, कि डायनोफाइल और डायनो उसमें डाइन में और डायनोफाइल में बॉन्डिंग कैसे प्रोसीड कर रही है, हमें किसको रोटेट करके कैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है। अब देखते हैं चीजों को और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, चीजों को और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो फिर क्या, पहला केस पढ़ लिया कि दोनों अनसिमेट्रिकल थे, बॉन्डिंग समझ में आ गई कि कैसे करनी है। अब बात कर देते हैं और चीजों को, पहला केस क्या, पहला केस, केस फर्स्ट, अगर क्या हो जाए, अगर हमारे डायनोफाइल, या पहला केस किसका पढ़ेंगे हम, डाइन का, अगर डाइन में दोनों सब्स्टिट्यूएंट, बोथ सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गए, डिफरेंट नेचर के हो गए, क्या, बोथ सब्स्टिट्यूएंट, बोथ सब्स्टिट्यूएंट क्या, जो लगे हुए हैं डाइन पे, वो क्या हो गए, दोनों के दोनों डिफरेंट डोनेटिंग टेंडेंसी के हो गए, डिफरेंट डोनेटिंग टेंडेंसी के हो गए। तब केस फर्स्ट क्या, जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या ग्रुप कौन से डोनेटिंग टेंडेंसी के दोनों क्या हो गए, डिफरेंट डोनेटिंग टेंडेंसी के, तो उस केस में हम कैसे करेंगे, ये क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है पहला। तो देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले यहां पे क्या है भाई, NH2 ग्रुप है, यहां पे क्या है हमारा CH3 ग्रुप है, बात समझ में, ये लगा दिया हमने इस पे NO, बात समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन, अब हीट की प्रेजेंस पे क्वेश्चन कैसे होगा भाई, NH2 के पास भी क्या टेंडेंसी देने की है, CH3 के पास भी क्या टेंडेंसी देने की है। अब सवाल ये उठता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जनरेट कहां होगा भाई, अगर NH2 की बात करें तो NH2 के अकॉर्डिंग नेगेटिव चार्ज यहां पे जनरेट होगा और CH3 के अकॉर्डिंग नेगेटिव चार्ज यहां पे जनरेट होगा। तो इस केस में हमें चेक क्या करना है, इस केस में हमें डाइनिंग में हमेशा किसके थ्रू चलना है, कि जिसकी डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, जिसकी डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो किसके होगा, वही नेगेटिव चार्ज को जनरेट करेगा, वही क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा भाई। एक एक चीज बड़े धीरे धीरे बड़े आराम से समझा रहा हूं, गलती नहीं होनी चाहिए भाई। डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी होगी, जिसकी ज्यादा, सबसे ज्यादा डोनेटिंग टेंडेंसी होगी वही क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को हमारा जनरेट कर देगा। अब देखो NH2 में और CH3 में ये क्या है, प्लस M इफेक्ट, ये क्या है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, बात समझ रहे हो। अभी बदलाव सिर्फ इसमें क्या है, बेन वो उसमें डाइन में ही क्या है, तो क्या NH2 प्लस M इफेक्ट है, तो ये क्या करेगा इजिली, तो हमारा डोमिनेटिंग ग्रुप क्या हो जाएगा इसमें, NH2 हो जाएगा, तो हमारा नेगेटिव चार्ज ऊपर की बजाय कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा,
बात समझे, तो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब हमें इसमें पॉजिटिव चार्ज इसमें जनरेट किस साइड होगा, इस साइड होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, इस डायनोफाइल को फिर से रोटेट करके लिखना पड़ेगा। तो रोटेट करके जब लिखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या आ जाएगा, देखो कैसे हो जाएगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन, क्या हो गया ये क्या आ गया NH2, यहां पे कौन सा ग्रुप लग गया CH3, कौन सा ग्रुप लग गया हमारा CH3। तो NO2 कहाँ आएगा, NO2 घूम के आएगा, तो NO2 घूम के आएगा तो NO2 हमारा कहां लग जाएगा, NO2 हमारा ऐसे लग जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन कौन सा होगा, सिर्फ ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो बात समझ में आए कि अगर दोनों के दोनों क्या लग गए, डिफरेंट के लग गए। अब देखो और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, दोनों के दोनों क्या हो गए डिफरेंट। अब देखो OH अभी क्या लग गया OCH3 लगा देते हैं, ठीक है बात समझ में आई, यहां पे OH लग गया और यहां पे OCH3 ग्रुप। अब देखो, अब देखते क्या हो, देखो NO2 सिंपलेस्ट ले लेते हैं, NO2 बहुत बार NO2 ले लिए, कोई क्या ले लेते हैं इस बार स्टर ग्रुप ले लेते हैं, कोई एस्टर ग्रुप ले लेते हैं, बात समझ में। तो हीटिंग की प्रेजेंस पे जब हम इस रिएक्शन को प्रोसीड कराएंगे, अब देखो ये क्या है, ये भी क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज इसकी वजह से भी यहीं पे आना है, तब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो इसकी वजह से भी नेगेटिव चार्ज यहां पे आना है। तो इस कंडीशन में तो कोई चूज करना तुम्हें नहीं है, तो क्या हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या आएगा, सिंपली एक तो नेगेटिव चार्ज यहां पे जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज कहां पे, यहां पे जनरेट हो गया। तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होके क्या आएगा, देखो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होके क्या आएगा, OCH3 ये लग गया इस पे और यहां पे क्या लग गया OH ग्रुप, उसके बाद OCH3, तो ये ग्रुप कहां पे चला जाएगा COOCH3। बात समझ में आए, अगर दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर क्या लग जाए यहां पे भी CH3 ग्रुप लग जाए और यहां पे क्या लग जाए OCH3 ग्रुप लग जाए, बात समझ में। तो फिर हमारा कैसे करेगा रिएक्शन, देखो CM हीट की प्रेजेंस पे, अब देखो ये क्या है OCH3 प्लस M के थ्रू देगा तो नेगेटिव चार्ज जनरेट क्या कर देगा यहां पे कर देगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट कहां जाएगा यहां पे हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इजीली देखो क्या हो जाएगा यहां पे, क्या जाएगा OCH3, यहां पे क्या आ जाएगा हमारा CH3 डबल बॉन्ड और यहां पे क्या आ जाएगा हमारा साइनाइड आ जाएगा। बात समझ में, और क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे क्या आ गया हमारा OH ग्रुप आ गया, यहां पे हमारा क्या आ गया NH2 ग्रुप आ गया। रिएक्शन क्या करा देते हैं, ये हमारा क्या हो गया ईन हो गया। बात समझ में, अब देखो इसके साथ रिएक्शन कैसे कराओगे थर्मली, जब थर्मली तुम इसके साथ रिएक्शन करा रहे हो तो ये भी क्या है डोनेटिंग नेचर का है, ये भी क्या है डोनेटिंग। अब देखो नेगेटिव चार्ज जनरेट कहां होगा, इस OH के अकॉर्डिंग नेगेटिव चार्ज जनरेट कहां पे हो रहा है यहां पे, और इस NH2 के जैसे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज कहां पे जनरेट हो रहा है यहां पे, तो हमें कौन सा नेगेटिव चार्ज प्रीफर करना है, ये वाला, क्योंकि नाइट्रोजन के पास ज्यादा टेंडेंसी है डोनेट करने की। तो जब नेगेटिव चार्ज यहां पे जनरेट हो जाएगा तो हमारा पॉजिटिव चार्ज कहां पे जनरेट होगा यहां पे, बात समझ में आई। तो पॉजिटिव यहां पे जनरेट, तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या आ जाएगा देखिए, तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो क्या आएगा इस केस में, क्या आएगा डबल बॉन्ड यहां पे क्या आ जाएगा OH, यहां पे क्या लग जाएगा OH, यहां पे NH2, बात समझ में आई। इसके बाद यहां पे क्या लग जाएगा डबल बॉन्ड O, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन। लेकिन यही प्रोडक्ट तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा, यह क्या दिख रहे हो OH, यहाँ पे क्या है कीटोइनोल फॉर्म है, तो कीटोइनोल फॉर्म को डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट कर दोगे, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा यहां से क्या मिलेगा देखो, तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट यहां से मिलेगा NH2, यहां पे क्या मिलेगा डबल बॉन्ड, उसके बाद तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होके आया किस रिएक्शन का, इस क्वेश्चन से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया है हमारा, क्या प्रोडक्ट बना हमारा, ये प्रोडक्ट बना। तो रिड्यूस सिलेक्टिविटी अब तक समझ में आया कि अगर डायनोफाइल दोनों के दोनों डिफरेंट हो गए तो हम किसके अकॉर्डिंग रिएक्शन को कराएंगे, जिस डायनोफाइल ओ सॉरी अगर हम डाइबेंजीन 1,4-डाइईन सिस्टम में
डाइंग सिस्टम में अगर दोनों के दोनों ग्रुप क्या हो गए, डिफरेंट डोनेटिंग टेंडेंसी के हो गए, तो हमें रिएक्शन किसके थ्रू करानी है, जिसकी डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी तो रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग ही आगे फर्दर प्रोसीड करेगी। ठीक है, तो और कुछ अदर क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं अच्छे अच्छे से। भाई सारा खेल पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में किसका है, क्वेश्चन का। जितने क्वेश्चन तुमने ट्राई कर लिए इतना ही तुम्हारा फायदा है। देखो और क्वेश्चन कैसे करोगे, दोनों को MeS3 अच्छा सा क्वेश्चन नहीं मिल रहा कोई। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है, वो यहां पे क्या आ गया हमारा CS3, कैसा ग्रुप आ गया CS3, रिएक्शन करा रहे किससे, डाइन से, कोई भी डाइन ले लो, NO2 ले लो या कोई भी डाइन ले लो। ठीक है, तो कैसे रिएक्शन करेगा, देखो रिएक्शन OMe क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है, तो नेगेटिव चार्ज जनरेट कहां पे होगा, यहां पे, तो इस डायनोफाइल को हमें क्या कराना पड़ेगा, रोटेट कराना पड़ेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा यहां पे पॉजिटिव चार्ज, तो हम जब इसको घुमा के लिखेंगे तो हमें क्या रफ करके इसको क्या करके लिख लिया करो, घुमा के लिख लिया करो, तो यहां पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव और यहां पे NO2, तो यहां पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव। जो ये इंटरेक्शन होगा ये क्या होगा, बेटर इंटरेक्शन होगा, तो जब थर्मली हम इस रिएक्शन को करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होके क्या आएगा, देखो तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होके आएगा इस केस में क्या आएगा, CS3 यहां पे क्या आ गया OMe, उसके बाद जो ओके आया क्या बना हमारा NO, बस आए, तो हमारा प्रोडक्ट जो बना इस केस में ये प्रोडक्ट बना। अब तक हम सिलेक्टिविटी किसकी देख रहे थे, डाइईन में हम डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की रिएक्टिविटी देख रहे, सिलेक्टिविटी देख रहे थे। अब हम क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। पहला क्या था कि बोथ ग्रुप इन डिफरेंट डोनेटिंग टेंडेंसी के हो, अगर हम क्या करें डाइनोफाइल में चेंज ला दें, किसमें डाइनोफाइल में चेंज ला दें,